गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑस्टी की वॉक हो रही है और आज मौसम बड़ा सही है भाई, हवा चल रही है और फिलहाल धूप तो है ही नहीं। ये आ रहा भाई शिकारी है, ये पीछे पड़ जाता है। मैं कह रहा था धूप तो है ही नहीं और बीच बीच में हवा भी चल रही है तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है मौसम। थोड़ा सा टाइम था इसलिए ऑस्टी को पार्क ले आया। बस अब इसके बाद मैं सीधा ऑफिस के लिए निकलूँगा। और आज ना योगा डे है तो ऑफिस में योगा डे की सेलिब्रेशन हो रही है। योगा कर रहे हैं इस वक्त, कर रहे होंगे, मतलब 7:30 बजे पहुँचना था सुबह, उसके लिए 6:30 या 6 बजे उठना पड़ता। अरे मैंने कहा भाई मैं 6 बजे अगर उठ पाता होता तो मैं जिम नहीं चला जाता रोज़, तो इसलिए मैं गया ही नहीं। और वैसे भी भाई योगा शोगा मेरे बस की बात तो है नहीं, इतनी फ्लेक्सिबल है ही नहीं मेरी बॉडी बिल्कुल भी। तो कुछ लोग कर रहे होंगे योगा ऑफिस के अंदर, तो मैं तो अपने यूजुअल टाइम पे जाऊंगा। बस अब इसकी वॉक हो ही गई है, मैं निकलता हूँ। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। ऐसा कुछ नज़ारा है, इससे पहले मैंने आपको बारिश दिखाई दी थी, भाग गई। ओके गाइस, तो शिवाना ओवरचार्ज्ड है बिकॉज हर डैडा इज होम एंड उसको एक्सपेक्ट नहीं था। आप क्या घर आते बन जाते हैं? तो अच्छा, तो आप ऐसे ही बैठ रहोगे, कपड़े पहन के चेंज नहीं करोगे? कौन है? डैडा। हाय डैडा। बेबी सियानू, सियानू नो डैडा, सियानू बोलो। बेबी बेबी आया है। बेबी बेबी मैं बेबी हूँ आपका। बारिश होने से कोई फायदा नहीं हुआ, उतनी ही सड़ी गर्मी है। इनफैक्ट कमरों में हमारे तो ह्यूमस इतना हो गया ना, बहुत ह्यूमिड फील हो रहा है। आई डोंट लाइक इट। शिवाना जान मुझके अपना पैर यहाँ फंसा रही है और फिर रो रही है। क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसे बाहर आके ना ऐसे रिएक्शन दे रही है। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? पैर के दो भाई। मैं अभी बालकनी में आया था शिवाना अभी थाली को लेके, और ये देखो भाई ये क्या चीज है भाई। अभी ये सनसेट है या मूनराइज है? वैसे मुझे लग रहा है मूनराइज ही है ये, बट इतना अजीब सा लग रहा ना, और सुंदर भी लग रहा है भाई देखने में। कैमरे में आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा लेकिन सामने से देखने में ना बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। ये डेफिनेटली मून राइज है और ये इतना सुंदर लग रहा है ना भाई, बहुत सामने से देखने में इतना सुंदर लग रहा है भाई। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो पूरा टेम्पर टूट गया और फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी क्लीन नहीं आ रहा, एकदम ऐसे बेकार सा आ रहा है। दिखाता हूँ मैं, ये देखो बिल्कुल बेकार आ रहा है सारा। तो ये अभी हम बाहर निकल रहे हैं तो टेम्पर्ड भी चेंज कराएंगे और थोड़ा सा खा पी लेंगे कुछ। सो फ्राइडे नाइट है, हम लोग बाहर से घूम फिर के आ गए और घर आते ही भाई थोड़ा सा आवाज़ कम कर लो, इस रिमोट आवाज़ कम कर। तो हम लोग घर आ गए हैं, गोलू और विशाल भी है, और आते ही विशाली ने बना दिया था डोसा हमारे लिए। ये सांभर ऑलरेडी बना के गई थी विशाली और चटनी भी बना के गई थी, तो आते ही डोसा बना दिया। मेरे साथ देखो कौन है खाने के लिए बैठा हुआ, शिवाना भी खा रही थी अभी थोड़ा थोड़ा विशाल के साथ। डोसा खाएंगे और अपना वीकेंड स्टार्ट करेंगे। खेली कर रहे हो? रॉकेट टूट जाएगा। आज मम्मा के हाथ में नेल कटर लगा है। मम्मा के नेल्स काट दो। भाई यहाँ रील बन रही है, स्क्रिप्ट अभी तो स्क्रिप्ट रेडी हो रही है रील की ना। गाना सोचो कौन सा गाना लगाना है। अरे देसी बॉयज। अरे मेरा फोन पड़ा, उसमें गाने हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे देसी बॉयज। क्या मैं बता तो रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं है तुम्हें अच्छे गाने। देसी बॉयज क्या बन रहा है यार ये अब। अरे सुन बोल, मैं तुझे
तो गाइस 4:30 बजे ऋषिक 4:30 बजे कह रहे हैं 12 बजे उठते हैं और चलते हैं ऋषिकेश। चल क्यों नहीं रहा? पता नहीं, देखते कितना सक्सेसफुल होता है ये प्लान। ऋषिकेश वाटरफॉल्स। So, हम लोग अभी बात कर रहे थे विशाल का, आपको बताया था और ऑलमोस्ट डन हो चुका है कि हम लोग शायद कल निकल जाएं कहीं पे, जो भी सबसे पास पड़ेगा। वैसे हमारे लिए सबसे पास ऋषिकेश है, तो हो सकता है हम ऋषिकेश चले जाएं कल। और इन लोगों को मैंने घर भगा दिया कि भाई फटाफट जाके अपनी नींद पूरी करो और 10 बजे के करीब सुबह निकल जाएंगे हम लोग। तो अभी जा रहे हैं वापस और हम लोग देखते हैं कि ये उठते हैं कि नहीं उठते। अब सब कुछ इनके नींद पे डिपेंड है। अरे रुक रुक, गोलू ऑस्टू भाग रहा है, रुक जा। सब कुछ इनकी नींद पे डिपेंड है कि नींद खुलती है और निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते, आपको कल ही देखने को मिलेगा। ओके गाइस, सो बैठे बैठे इन्होंने बना लिया प्लान हरिद्वार ऋषिकेश निकलने का। सुबह जाएंगे गंगा आरती सुन के शाम को वापस, तो ऐसा प्लान है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स बी पार्ट ऑफ द प्लान। तो बस अभी यही है, देखते हैं। 4 घंटे की नींद हमें लेनी है, और उसके बाद हमें जाना है। आर यू गोइंग ऋषिकेश? एक्चुअली हमने ये सोचा कि यार हम वैसे भी घूमेंगे तो है ही, कल चाहे वैसे ही सैटरडे है, तो इससे अच्छा क्यों ना हम थोड़ा सा 4 घंटे हमारे यहाँ से जाकर आ जाएंगे। और दूसरा ये कि आज बारिश आ गई थी दिल्ली में, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कल मौसम अच्छा हो तो एक अच्छी खासी हमारी ड्राइव हो जाएगी, घूम फिर लेंगे। तो लेट्स सी, अभी तो अभी तक के लिए हमने डन रखा है, बट सब कुछ सुबह सबकी नींद पे डिपेंड करता है कि किसकी कितनी नींद पूरी हुई। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी तो मैं कितनी चला लेता हूँ पर लेकिन तब भी नींद तो लेनी ज़रूरी है। इसलिए अब ये लोग तो चले गए हैं, ऑस्टू को मैं वॉक अभी करा देता हूँ क्योंकि सुबह उठूँगा तो देखूंगा, हो सकता है सुबह भी करा दूं, बट फिलहाल तो करा ही देता हूं इसको वॉक। सो अभी सोने से पहले मैगी खा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है, और वो लोग भी जल्दी चले गए और थोड़ा सा बैठते तो कुछ ऑर्डर कर ही लेते हैं। तो विशाली और मुझे भूख लग रही थी तो मैगी खा के हम सो जाएंगे, ब्लॉग करते हैं यही एंड। अगले ब्लॉग में ज़रूर देखिए कि हम लोग ऋषिकेश गए या नहीं गए या कहाँ गए, देखना मत भूलना। बाय बाय।